सुकरात अन्य दार्शनिकों से किस प्रकार भिन्न थे, अगला प्रश्न। यूनान के लोकतंत्र की क्या कमियां थीं? यूनान के लोकतंत्र में क्या कमियां थीं? हेराक्लिटस का चिंतन, लिखें। अगला प्रश्न, सोफिस्ट का क्या अर्थ है? प्रमुख सोफिस्ट का नाम लिखें। प्रमुख सोफिस्ट का नाम, सोफिस्ट क्या लिखा है? सोफिस्ट का अर्थ है, सोफिस्ट का अर्थ क्या है? प्रमुख सोफिस्ट का नाम, सोफिस्ट का अर्थ क्या है? प्रमुख सोफिस्ट का नाम लिखें। हाँ, जी, एथेंस की कुल जनसंख्या कितनी थी? सुकरात के ग्रंथों के नाम बताएं। सुकरात ने दार्शनिक किसे माना है?
दार्शनिक किसे माना है? एथेंस और स्पार्टा में क्या अंतर है, क्या अंतर था? थोड़ी सी कुछ चीज़ें अब नोट कर लें। प्रश्न कितने प्रश्न हुए? 7। कुछ कुछ मिल गए होंगे एक दूसरे से। परमानिडीज और इसके आगे इनके विचार लिखने हैं। नहीं, ये उत्तर है, ये आगे लिखना है। प्रश्न इतने ही हैं, थोड़ी सी कुछ चीज़ें नोट कर लें। परमानिडीज कहते थे सत्य शाश्वत है और यह समय से बदलता नहीं। यह सारे इंद्रिय ज्ञान से परे है जो सत्य है वह इंद्रिय ज्ञान से परे है। माने जो इंद्रियां हैं हमारी आँख नाक कान जीभ चाम, इनसे उस सत्य शाश्वत सत्य को नहीं जाना जा सकता, इंद्रिय ज्ञान के द्वारा उस तक नहीं पहुंचा जा सकता है। परमानिडीज ऐसा कहते थे, एक ऐसा सत्य है जो शाश्वत है, इटर्नल उनका शब्द है, लेकिन इस शब्द लेकिन इस ज्ञान तक आँख इस ज्ञान को आँखों से नहीं देखा जा सकता है, मुंह से नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक ऐसा सत्य है और यह समय से बदलता नहीं है। आज कुछ और हो कल कुछ और हो ऐसा नहीं है। लिख लेंगे इटर्नल, इटर्नल बराबर शाश्वत, ये लिखा हुआ है इटर्नल। इटर्नल के आगे लिख लेंगे शाश्वत। दूसरे नंबर पर लिखेंगे
इनको आप लिख चुके हैं पर थोड़े में लिख लेंगे, हेराक्लिटस। हेराक्लिटस कहते थे कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ निरंतर हो रहा है। इसके आगे लिखेंगे बिकमिंग, BECOMING, बिकमिंग। हो रहा है का अर्थ ये है, एक बच्चा है वह जवान हो रहा है, एक जवान है वो प्रौढ़ हो रहा है, एक प्रौढ़ है वो बूढ़ा हो रहा है, एक बूढ़ा है वो जर्जर हो रहा है, एक जर्जर है वो मृत्यु के निकट जा रहा है, जा रहा है, हो रहा है, यह निरंतर गतिशील है। इसी के लिए अंग्रेजी में शब्द आता है बिकमिंग। दो शब्द आते हैं, एक होता है बिकमिंग, दूसरा होता है बीइंग। आत्मा बीइंग है, बॉडी बिकमिंग है, क्योंकि बॉडी परिवर्तनशील है, शरीर परिवर्तनशील है। आत्मा, जो बच्चे का आत्मा है, वह बूढ़ा हो जाने पर वो दूसरी आत्मा नहीं हो जाती है, वह वही रहती है, बस उसमें संस्कारों के बोझ बढ़ जाते हैं। ये जो बिकमिंग है, बिकमिंग मतलब हो रहा है। हेराक्लिटस कहते थे इस सृष्टि में सब कुछ हो रहा है, हो रहा है माने हर चीज निरंतर बदल रही है, परिवर्तित हो रही है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो स्थिर है। तो है हेराक्लिटस और परमेनिडीज में थोड़ा सा अंतर है, एक इधर जाता है दूसरा इधर चला जाता है। परमेनिडीज कहते थे जो इंद्रिय ज्ञान है उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, और हेराक्लिटस सत्य को इंद्रियों से पकड़ना चाहता था। तीसरे नंबर पे लिखें इस, ये नाम है डेमोक्रिटस का। डेमोक्रिटस कहा करते थे सारी सृष्टि, परमाणुओं का जोड़ है, परमाणुओं का जोड़ है। परमाणु परमाणुओं का क्रम निरंतर बदलता रहता है,
परमाणुओं का क्रम निरंतर बदलता रहता है, इसी से चीजें बनती और मिटती हुई दिखती हैं। बनती और मिटती रहती हैं, अंतिम सृष्टि की अंतिम इकाई परमाणु है। यूनान में कुछ ऐसे भी दार्शनिक थे जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की चर्चा किया करते थे, और वो चिंतन उनका पूरी तरीके से वैज्ञानिक था। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, इन सब के बारे में वो जब बात करते थे तो वैज्ञानिक चिंतन था। तो ये जो कुछ चीजें हम लिख रहे हैं, ये इसलिए लिख रहे हैं कि जो प्लूटो हुआ, तो प्लेटो ने इन सब चीजों का उपयोग किया अपने दर्शन में, और इनके साथ साथ उन्होंने सुकरात का जो दर्शन था उसका उपयोग किया। इसमें एक प्रश्न आया है, दार्शनिक किसे कहा गया है? प्लेटो कहा करता था, सुकरात को देखा है? सुकरात दार्शनिक था, जो बोले, जो बात करे, जो ज्ञान की बातें करे, उसको उन्होंने दार्शनिक नहीं माना। दार्शनिक उन्होंने उसको माना जो दुनिया के सुख दुख से बेपरवाह रहता हो, और दूसरी बात, जो मृत्यु के सामने अडिग हो, जो जिसे मृत्यु भय नहीं दे सकती, जिसे मौत डरा नहीं सकती, उसको उन्होंने दार्शनिक कहा है। बातें तो बहुत लोग कर लेते हैं, ये जो नाम लिखवाए गए थे ये सब बातें करते हैं, कुछ ना कुछ सिद्धांत है, कुछ ना कुछ उनकी चर्चाएं हैं, लेकिन फिलोसोफर कौन है, दार्शनिक कौन है? प्लेटो कहा करते थे, सुकरात को देखो, सुकरात ही फिलोसोफर है। दुनिया में उन्होंने कभी भी किसी बात को लेकर के उनमें कोई उत्तेजना नहीं थी, क्या छूटा, क्या मिला, इन सब से लापरवाह रहे। और जीवन के अंत में जब वो जेल में बंद थे और लोगों ने कहा कि आप जेल से बाहर भाग सकते हैं, हम आपको छुड़ा करके ले जाएंगे और राजसत्ता खुशी खुशी जाने देगी आपको चुपके से, उन्होंने कहा ये ठीक नहीं है, भागना ठीक नहीं है, जाना ठीक नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे मरना है इसलिए मैं डर करके भाग जाऊं, ये बात जरा कम ठीक लगती है। मरने में क्या है, हो सकता है एक नया जीवन छिपा हो उसमें, तो क्यों डरना। और उन्होंने सहज ही विष लिया और जीवन को खत्म किया, शरीर को खत्म किया। यह जो चर्चा है दो बातों की, उसे दार्शनिक कहा गया है। दार्शनिक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं करमचंद? दार्शनिक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं हल्दर साहब? स्पेलिंग
देखें दर्शन को फिलॉसफी कहते हैं। फिलॉसफी फिलोसोफर फिलोसफी ये दो शब्द हैं। वह जो प्रश्न आया है कि फिलोसोफर कौन है, दार्शनिक कौन है, दार्शनिक की दो विशेषताएं, पहली विशेषता वह सांसारिक सुख दुख से अलग रहता है और दूसरी बात मृत्यु से वह भयभीत नहीं होता है। अब इसी को फिलोसोफर कह सकते हैं हम, इसी को हम आत्मज्ञानी कह सकते हैं, अपने अपने शब्द हैं। मिटा दें इसको, ये सब पूछा जाएगा। एक चीज़ ध्यान दें, जो आप कॉपी में लिख रहे हैं वह ज़रूरी है और कॉपी के अलावा भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, एकदम निश्चिंत रहिएगा कि परीक्षा सरल नहीं होगी। और यहीं पर आपको प्रश्न बनाने होंगे, उत्तर देने होंगे बैठ करके एक घंटे में, और कोई एक विषय होगा जिस पर आपको यहाँ करके बोलना होगा, दो मिनट में आपको यहाँ से बोलना होगा और उसके भी अंक जुड़ेंगे। तो इसको बहुत आराम से मत लीजिएगा कि यहीं पर आए, यहीं पर कॉपी खोलें, यहीं पर बंद कर दें। सोमेन साहब, क्या इनका समय था प्लेटो का जन्म? 428 क्या लिखें? प्लेटो के दो ग्रंथ, प्लेटो के दो ग्रंथ हैं, प्लेटो के दो ग्रंथ हैं, रिपब्लिक का अर्थ होता है गणतंत्र, और दूसरा ग्रंथ है उनका द लॉज। अब इसको इंग्लिश में लिख लें, लॉज, लॉ, ला, LAWS, लॉ, लॉ माने कानून, लॉज।
ये जो नाम हैं ये 2500 साल पुराने हैं, लेकिन ये एकदम आधुनिक हैं। रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र। गणतंत्र यानी सॉरी, रिपब्लिक मतलब गणतंत्र। गणतंत्र का अर्थ होता है जहां जनता का शासन हो। जनता किसी को राजा चुन ले और कुछ सालों बाद फिर से हटा दे, एक नया राजा बन जाए, जिसको आज हम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कहते हैं। पहले के समय में वही राजा थे, थोड़े समय के लिए चुने जाते थे, फिर बदल जाते थे। इन्हें रिपब्लिक कहा जाता है। प्लेटो का एक ग्रंथ है, उसका नाम है रिपब्लिक, और दूसरा एक ग्रंथ है, उसका नाम है लॉज। लॉ, ला मतलब कानून। उनकी जो भी चर्चा है इन्हीं ग्रंथों के आधार पर है। थोड़ा सा चीज सुन लें। सुकरात कहा करते थे, कोई ईमानदार आदमी राजनीति में बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकता। किसी ईमानदार आदमी को राजनीति में ले जाओ, वो बहुत लंबे समय तक नहीं काम कर पाएगा, वो परेशान हो जाएगा। दो चीजें होंगी क्या, या तो वह परेशान होकर के राजनीति छोड़ देगा, और दूसरी बात, या तो वह अपनी ईमानदारी छोड़ देगा। कोई भी ईमानदार आदमी राजनीति में बहुत लंबे समय तक काम नहीं कर सकता है, इसीलिए राजनीति से बचना चाहिए। सुकरात, ये साधु सा ही बात है। प्लेटो, प्लेटो का जो चिंतन है, मैंने पहले भी कल निवेदन किया था कि प्लेटो एक धनी परिवार से था, एक राजनीतिक परिवार से था। उसके परिवार के लोग राजा हुआ करते थे, ऐसे परिवार से था। और प्लेटो ने एक बात कही है, उसने ये नहीं कहा है कि राजनीति छोड़ दो, उसने कहा दो बातों पर उसने जोर दिया, इन दो चीजों पर ध्यान दें और फिर जो है वह कोई भी आदमी राजनीति में जा सकता है। पहली चीज, उसकी दृष्टि में, उसकी समझ में प्लेटो की समझ में दो बातें आती हैं। अगर ये दो चीजें हों तो कोई भी आदमी राजनीति में सफल होगा। पहला उसने कहा इंटेलेक्ट, साधारण अर्थों में इसको कहें तो बुद्धिमान हो वो है। और दूसरा मॉरल, वह उसमें दो चीजें हो, एक तो वह बुद्धिमान हो, छोटी छोटी बातों से दुखी ना हो जाए, परेशान ना हो जाए समस्याओं से, और दूसरी बात उसने कहा वो नैतिकवान हो। नैतिकता को उसने बहुत मूल्य दिया। अगर किसी को राजनीति करनी हो तो प्लेटो ने कहा वो राजनीति करने वाले में दो चीजें होनी चाहिए, पहली चीज इंटेलेक्ट और दूसरी चीज है मॉरल डिसिप्लिन।
मॉरल डिसिप्लिन मतलब नैतिकवान हो है। अच्छा, हाँ, बुद्धिमान हो और नैतिक हो। अगर कोई बुद्धिमान तो हो लेकिन वह नैतिक ना हो, प्लूटो कहते थे बहुत जल्दी वह बिगड़ जाएगा। और यह बात तब के लिए भी उतनी ही सही थी जितनी आज के लिए है। राजनीति में जो लोग जाते हैं उनमें बुद्धि की कमी नहीं होती है, बुद्धि के बहुत तेज होते हैं, लेकिन मॉरली नैतिक रूप से वो कमजोर होते हैं। जब चीजें आती हैं तो फिर वो समझ नहीं पाते कि इन्हें कैसे मना करें और इसी वजह से वो बिगड़ जाते हैं। मैं कुछ चीजें पढ़ता था प्लेटो के बारे में, तो प्लेटो का जो चिंतन है वो राजनीतिक चिंतन है अधिकतम। उन्होंने राजनीति की बातें कही हैं, और जब भी कोई अध्यात्म की बात कही है, उन्होंने जब भी कोई फिलॉसफी की बात कही है, तो वो सुकरात उनका आदर्श है। सुकरात ने जो बातें कही हैं वही उनके लिए हैं। बाकी प्लेटो का जो चिंतन है, प्लेटो और अरस्तु दोनों का चिंतन जो है राजनीतिक चिंतन है। राजा कैसा होना चाहिए, उसमें क्या योग्यताएं होनी चाहिए, वो किस समाज के किस अंग से आना चाहिए, और ऐसी चीज़ें हैं जो अब पहले कही गई लेकिन आज के समय में बहुत सी वो ठीक नहीं हैं। प्लेटो कहा करते थे कि जो नागरिक हैं वो तीन हिस्सों में बांटने चाहिए लोगों को। राज्य अपने नागरिकों को तीन हिस्सों में बांटे, तीन हिस्से या तीन स्तर पे। पहला तो आम आदमी, साधारण आदमी हो, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे और वो लोग अपना काम धाम करते रहें, उन्हें बहुत राजनीति से मतलब ना हो। दूसरा सैनिक चाहिए सीमा की रक्षा के लिए, राज्य में व्यवस्था करने के लिए, शत्रुओं से बचाव के लिए, सोल्जर्स। तो दूसरे स्तर पर उन्होंने कहा कुछ सैनिक जैसे लोग होने चाहिए, उनके बच्चे भी सैनिक हों, उनकी आगे आने वाली पीढ़ी भी सैनिक हो, क्योंकि बिना सैनिकों के नहीं चल सकता है राज्य। और तीसरा उन्होंने कहा कुछ लोग हों जो समाज के अगुवा हों, वही समाज को चलाएं, समाज के लिए नीति निर्धारण वही करें, मार्गदर्शन वही करें। तो जब उन्होंने तीन स्तर बना दिए, एक और दो और तीन, तो जो पहला स्तर है आम लोग, सामान्य लोग, उन्होंने कहा इनको बहुत राजनीति में गति नहीं देना चाहिए, अपना कमाओ खाओ काम करो, बस इतना बहुत है। जो सैनिक हैं वो आज सैनिक हैं, कल उनके बच्चे सैनिक होंगे, ये सैनिक वाला काम करें। तीसरा ये जो बड़े लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं समाज के, इन लोगों को समाज के लिए नीति निर्धारण का काम करना चाहिए। अब इन बातों को कौन मानेगा, कौन चाहेगा कि हम जीवन भर जो है साधारण बने रह जाएं? तो उन्होंने कहा कभी कभी ऐसा होता है जब साधारण वर्ग में भी अच्छे लोग होते हैं तो उनको फिर सत्ता पक्ष में शामिल कर लो। तो उनसे पूछा गया कभी कभी बड़े लोगों के बच्चे भी तो इस लायक नहीं होते हैं कि वो राजनीति कर सकें, तो उन्होंने कहा ठीक है तब उनको वहां से हटा दो।
अगर कोई सामान्य वर्ग में कोई योग्य आदमी मिले तो उसको पकड़ करके ऊपर उठाओ और उसको शासक वर्ग के साथ रखो, और कोई शासक वर्ग का बच्चा हो और होनहार ना हो, होशियार ना हो, तो उसको ऊपर से उठा करके नीचे ले आओ। लेकिन उन्होंने डिवीजन इस तरीके से किया था। अब ये उस समय के हिसाब से उन्होंने किया, लेकिन इसमें लोकतंत्र तो नहीं है। इसमें कौन सा लोकतंत्र है? इसमें तो वही बात हुई कि राजा का लड़का है तो चलता रहेगा और राजनीति करता रहेगा, सिपाही है सिपाही का बच्चा हो सिपाही का काम करता रहेगा आगे चल करके। लेकिन जो एक बड़ा तबका है, 230,000 में 200,000 लोग, वो कैसे होंगे? उनको कोई अधिकार नहीं होगा। इस बात को आज के समय में कौन मानेगा? लेकिन उस समय उन्होंने वो चीजें कुछ कही थी। हाँ, सैनिक का काम वही करता था जो पीढ़ी दर पीढ़ी वाला होता था। एक तरीके से दासों पर विश्वास नहीं किया जाता था, दासों पर विश्वास नहीं किया जाता था, उनको आदमी समझा नहीं जाता था। प्लेटो की अधिकांश शिक्षा राजनीति के लिए है, नेताओं के लिए है, उससे हम लोगों का बहुत लेना देना नहीं है। उन्होंने आत्मा की अमरता पर कहा है, और वह उन्होंने वैसे कहा जैसे उनके गुरु कहते थे, सुकरात कहते थे। देखिए, चीजें एकदम वहीं से आई हैं। चीजें वहीं से आई हैं जहां से आप कह रहे हैं, लेकिन समय बदल गया है। बस जिन लोगों ने भी धर्म के मार्ग में प्रवेश किया है, कुछ लोग तो गद्दियों से सीधे गद्दियों पे बैठे रहे, मंदिरों पे बैठे रहे, महंती पे बैठे रहे, लेकिन जो धर्म का रास्ता है वो वहीं से गिड़गिड़ाने से, पूजा करने से, प्रार्थना करने से, अर्चना करने से। तो अगर आप अपने आप को मुखिया मानते हैं, महंत मानते हैं, परमात्मा के निकट मानते हैं, तो भक्ति आपके लिए नहीं है। भक्ति का तो मूल ही वहीं से है कि आप अपने आप को नीचे डालें तो आपके नाम में दास जाएगा। आप अपने आप को दास कहें अच्छा है, मैं हीन छीन मलिन प्रभु जी मैं कहूं तो अच्छा है, आप कह दे मुझे तुम हीन छीन मलिन हो मुझे बुरा लग जाएगा। तो बात वही है। इसीलिए जो अब अध्यात्म की एक नई शाखा आ रही है, उसमें पूजा प्रार्थना मान बड़ाई कुछ नहीं होता है, कोई चर्चा नहीं होती है। जैसे दो मित्र मिलते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, वैसे ये दिशा आ रही है। उपनिषदों के चिंतन में ये पूजा पाठ वाला चक्कर बहुत कम था, जहाँ तक मैं समझता हूँ। वहां पर ज्ञान की बात हुआ करती थी, लेकिन वो चीज अभी आएगी, बहुत पीछे छूट गई, 2,500 साल पहले छूट गई। और फिर जो चिंतन आया वो यहीं से आया था, धर्म यहीं से शुरू हुआ। असली धर्म किसी को ऊंचा मानना, अपने को नीचा मानना, एक और वाक्य लिख लें, आदर्श व्यक्ति कौन?
प्लेटो की, नहीं 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 आगे लिखे इसी में, प्लेटो के अनुसार आदर्श व्यक्ति कौन, प्लेटो ने बताया प्लेटो ने आदर्श व्यक्ति के कुछ लक्षण बताए। प्लेटो ने, इसका उत्तर है, प्लेटो ने आदर्श व्यक्ति के कुछ लक्षण बताए हैं। पहला है, वह बुद्धिमान हो। दूसरा, वह दूसरों के लिए काम करता हो, माने उपकार की भावना, दूसरों के लिए दूसरों की सेवा करने से पीछे ना हटे। पहला, वह बुद्धिमान हो। दूसरा, दूसरों की सेवा से करने से पीछे ना हटे। और तीसरा लक्षण, तीन, मृत्यु के सामने निर्भय हो। इसको आप चाहे आदर्श आदमी कह लें, चाहे दार्शनिक कह लें, वो लगभग लगभग एक ही बात है। आत्मा की अमरता का एक सिद्धांत है प्लेटो में, जो उसको सुकरात से मिला था, और प्लेटो ने सुकरात के आधार पर लिखा है कि शरीर में फंस करके, शरीर के मोह में फंस करके आत्मा दुख पाता है। अगर कोई बुरे कर्म करता है, गलत काम करता है, तो वह अगले जीवन में नीची जाति में, नीची योनियों में जाएगा। वह पशु होगा, हिंसक पशु हो सकता है। अगर किसी ने अच्छे कर्म किए हैं तो वह देवलोक में जाएगा और देवताओं के साथ रहेगा। और कोई ऐसा है जिसने ना बहुत अच्छे काम किए हैं ना बहुत बुरे काम किए हैं, वो क्या करेगा? तो वो ऐसी योनि में जाएगा जिसमें कोई बहुत नफा नुकसान नहीं है। जैसे मधुमक्खी, उसने कहा कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा बुरा बहुत नहीं करते हैं, वो मधुमक्खी जैसे हो जाएंगे। मधुमक्खी बस पराग चूसती है और जाके मधु बनाती है, उसमें क्या बुराई है? कोई हिंसक है, कोई गलत करता है, किसी की हत्या करता है, वो, उन्होंने कहा वो नरक में जाएगा। वह, उन्होंने भूत प्रेत की चर्चा, वह भूत बन जाएगा। लेकिन अगर कोई दार्शनिक मरता है, उनसे किसी ने पूछा गया सुकरात, सुकरात का तो उन्होंने कहा सुकरात, सुकरात स्वर्ग में देवताओं के साथ रहेगा, उसको अब वापस आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके मन में सांसारिक भोगों का कोई खिंचाव नहीं है। भाषा तो लगभग लगभग अलग सी है थोड़ी, लेकिन बात वो भी कह रहे हैं कि जिसके मन में भोगों का खिंचाव नहीं है,
वह फिर से जन्म मरण में नहीं पड़ेगा और वह हमेशा देवताओं के साथ रहेगा। लेकिन अगर कोई हिंसक है, कोई गलत काम करता है, किसी के संस्कार बहुत गंदे हैं, तो वह पशु योनि में जाएगा। कोई भोगों के लिए छटपटा रहा है तो उन्होंने कहा वह ऐसी योनि में जाएगा जहां उसको भोग ही भोग मिलेंगे। तो यह बात सोल जो शब्द है यह उनके यहां आता है, सोल माने आत्मा, यह शब्द उनके यहां आता है। एक शब्द आता है स्पिरिट, आत्मा। आत्मा आना जाना करता है इस संसार में अपने कर्मों के वश होकर के। मरने की बात शरीर के लिए है, लेकिन आत्मा के लिए उन्होंने ये अमरता का सिद्धांत रखा है। तो ये जो इसको अंग्रेजी में प्रिंसिपल ऑफ इमोर्टैलिटी, ये भी अलग से बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। यह निश्चित ही उनके गुरु का प्रभाव था उन पे। सुकरात को उन्होंने देखा था, सुकरात की बातें उन्होंने सुनी थी, तो यह ऐसी चर्चा सुकरात ही किया करते थे। तो ये अंतिम में लिख लें इसको, अमरता का सिद्धांत। प्लेटो अपने गुरु सुकरात की तरह आत्मवादी थे। वे मानते थे कि आत्मा कर्म संसारों में, कर्म संस्कारों में फंसकर शरीर धरता है। अगर कोई बहुत गलत कर्म करता है तो वह अगले जन्म में पशु योनि में जाएगा या भूत प्रेत हो जाएगा। किंतु जिसके मन में भोगों की कोई कामना नहीं है, वह स्वर्ग लोक में देवताओं के साथ रहेगा। आत्मा अमर है,
और शरीर जन्मता मरता रहता है।